शहर रामनगर के यारब नगर इलाके में, जहां एक बड़ी तादाद में गरीब मुस्लिम व हिंदुओं की आबादी रहती है, कोरोना वायरस की वबा और लॉकडाउन के दौरान निहायत तकलीफ में मुब्तला रहा। कोरोना लॉकडाउन के दर्दनाक हालात में यारब नगर की मस्जिद यूसुफ के इंतज़ामिया की जानिब से मुख्तलिफ किस्म की खिदमात अंजाम दी जा रही हैं, जिनके मुतालक मौलाना ज़हीरुद्दीन कादरी कहते हैं कि ज़रूरतमंदों में रेशन की तकसीम के अलावा रोज़ाना लंगर का एहतमाम करना मस्जिद यूसुफ की खुसूसी खिदमत रही है। जहां ये वबा लोगों को परेशानी के आलम में, परेशानी के दलदल में मुब्तला की थी, वहीं कुछ लोग, कुछ ज़िम्मेदार आगे बढ़कर खिदमत खल्क में पेश दर पेश रहे। कर्नाटका की सरजमीन के कई ऐसे इदारे जिन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में आगे बढ़कर खिदमत खल्क किया, उन्हीं में से शहर रामनगर के यारब इलाके में मस्जिद यूसुफ के ज़िम्मेदारान हैं। ये लोग अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही आला पैमाने के साथ लोगों की खिदमत खल्क करते हुए नहीं थके। जैसा कि मिसाल के तौर पे लोगों को अनाज तकसीम करना और लंगर आम का इंतज़ाम करना, साथ ही साथ इसी इदारे के जितने बच्चे हैं उनको क़याम व ताम और उनके घर वालों की किफ़ालत करना, बड़े ही अच्छे और बेमिसाल इन्होंने काम किया है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला इस इदारे के तमाम जिम्मेदारों को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। हालांकि अब कोरोना लॉकडाउन में नरमी लाई गई है, मजदूर व मुतवस्सित तबके के लोग जो रोजी के लिए जूझ रहे हैं, ऐसे ज़रूरतमंदों की इमदाद के लिए मस्जिद यूसुफ आगे आई है। ईटीवी भारत के लिए बेंगलोर से रफीक जब्बार की रिपोर्ट।